गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर कंप्यूटर क्लास वी रीड चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 13 एंड 14। ओनली पेज 13 एंड 14 वी रीड इन योर क्लास। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यूजेस मीन्स प्रयोग, कंप्यूटर के प्रयोग। कंप्यूटर इज ए वंडरफुल डिवाइस। वंडरफुल मीन्स अनोखा, डिवाइस मीन्स यंत्र। कंप्यूटर एक अनोखा यंत्र है। इट कैन डू मैनी टाइप्स ऑफ वर्क। यह कई प्रकार के कार्य कर सकता है। टुडे वी नीड कंप्यूटर एट एवरी प्लेस। आज के दौर में हमें हर जगह कंप्यूटर का ज़रूरत है। हम हर प्लेस पर हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। लेट अस लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। आइए कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में सीखते हैं। अलग अलग जगह पर कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में सीखते हैं कि अलग अलग जगह पर कंप्यूटर का प्रयोग कैसे और किस रूप में होता है। इन स्कूल, स्कूल में कंप्यूटर इज यूज्ड इन स्कूल टू टीच स्टूडेंट्स। कंप्यूटर स्कूल में किस लिए यूज़ होता है? स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। कंप्यूटर हेल्प्स इन स्कूल लाइब्रेरी टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स। कंप्यूटर को हम स्कूल लाइब्रेरी में भी प्रयोग कर सकते हैं बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन सी बुक किस बच्चे के पास गई है, कौन सी बुक हमारे पास वापस आई है, टोटल कितनी बुक्स हैं। तो इन सभी का, चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर का यूज़ हो सकता है, स्कूल लाइब्रेरी में। कंप्यूटर हेल्प्स टू द टीचर टू प्रिपेयर द रिपोर्ट कार्ड। कंप्यूटर अध्यापक की हेल्प करता है बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी, ठीक है। जो रिपोर्ट कार्ड आपको दिए जाते हैं वो रिपोर्ट कार्ड बनाने में टीचर की हेल्प करता है। एट होम, घर में, घर पर कैसे यूज़ होता है कंप्यूटर, ये देखिए। कंप्यूटर इज यूज्ड एट होम टू डू होमवर्क एंड प्ले गेम्स। घर पर कंप्यूटर को होमवर्क करने के लिए, स्कूल से जो गृह कार्य आपको मिलता है उसमें आप हेल्प ले सकते हो कंप्यूटर की, और गेम खेल सकते हो आप उस पर। इसमें यूज़ आप कंप्यूटर को कर सकते हो। कंप्यूटर हेल्प्स अस टू लिसन म्यूज़िक एंड वॉच द मूवीज़। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर की हेल्प से हम मूवीज़ देख सकते हैं और म्यूज़िक सुन सकते हैं। कंप्यूटर हेल्प्स अस टू परचेज आइटम्स फ्रॉम ऑनलाइन। कंप्यूटर की हेल्प से हम ऑनलाइन आइटम्स, कोई आइटम आपको चाहिए आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हो, आप उसको ऑनलाइन खरीद सकते हो। यानी ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए भी कंप्यूटर आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलिए, इन शॉप्स, दुकानों में कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन शॉप्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स एंड कैलकुलेट द बिल्स। दुकानों में कंप्यूटर का क्या होता है? रिकॉर्ड रख सकते हैं सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए, और कैलकुलेट द बिल्स, बिल्स को कैलकुलेट करने के लिए, उनकी गणना करने के लिए शॉप्स में कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए, नेक्स्ट है इन होटल्स में क्या यूज़ कर सकते हो? कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन होटल्स टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक प्राइस सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स एंड डिटेलिंग कस्टमर्स। कंप्यूटर में आप होटल में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे कर सकते हो? कस्टमर आपके ग्राहक हैं, उनकी डिटेल आपको रखनी होती है,
ग्राहक का जो नेम जगह कहाँ से आए हैं, ये बायोडाटा वगैरह सब उसको रखना होता है कस्ट होटल वाले को, तो वो उसमें आप कंप्यूटर में आप रख सकते हो। प्राइसेस सेल, उस जैसे आपने कोई चीज़ आपको कोई आइटम सेल करना है बेचना है, उसके आप प्राइसेस उसमें मेंटेन कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के जो आइटम हैं उनके अलग अलग प्राइस सेल आप उनको मेंटेन उसमें रख सकते हो। रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक, आपके पास किस चीज़ का कितना स्टॉक बचा है ये आप उसके अंदर फीड करके उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो ये सब होटल में आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से, इस काम को आप कर सकते हो। इन ऑफिसेस, ऑफिस मीन्स ऑफिस में कैसे यूज़ करते हैं, दफ्तरों में कैसे यूज़ करते हैं। कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर को ऑफिस में या फिर दफ्तर लगाओ, दफ्तर में कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करने या फिर प्रिंट करने के लिए आप प्रयोग कर सकते। कंप्यूटर हेल्प्स इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कंप्यूटर मैसेज सेंड करने में और रिसीव करने में आपकी हेल्प करता है, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से आप किसी को कोई मैसेज भेज भी सकते हो और कोई भी आपको मैसेज भेज सकता है, जिसको आपके पास भेजना है वो उसका रिप्लाई जिसको देना है अगर मान लो, या फिर किसी और को मैसेज भेजना है तो वो भी आपको कंप्यूटर के द्वारा आप मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हो। कंप्यूटर हेल्प्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल वर्क्स रिलेटेड टू ऑफिस एंड ऑफिस वर्कर्स। कंप्यूटर की हेल्प से आप हर रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो, उसको अच्छे से रख सकते हो, जो ऑफिस से रिलेटेड कार्य है उसका भी, और ऑफिस में जो वर्कर हैं जो वर्कर काम करते हैं उनका भी सारा आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। इन बैंक्स, कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन बैंक्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ मनी एंड कस्टमर्स। कंप्यूटर का प्रयोग बैंक में किस लिए होता है, कंप्यूटर को बैंक में पैसे का रिकॉर्ड रखने के लिए और कस्टमर्स ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने के लिए उनको प्रयोग करते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। कंप्यूटर हेल्प करता है कस्टमर के अकाउंट को मेंटेन करने में। ग्राहक का जो अकाउंट होता है, जो खाता होता है, उसको मेंटेन करने में कंप्यूटर आपकी हेल्प करता है। कंप्यूटर हेल्प्स अस टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM। कंप्यूटर हमारी भी मदद करता है कैसे हम पैसा निकाल सकते हैं ATM द्वारा, हम कंप्यूटर के हेल्प से, क्योंकि ATM जो है वो भी एक कंप्यूटर की मशीन ही है, कंप्यूटर मशीन ही है जिससे हम अपना जो है पैसा निकाल सकते हैं। हमें बहुत लंबी लाइन में लगकर पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं होती, ATM में हम अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये था बैंक्स में यूजेज कंप्यूटर का। आज हमने कौन से कहाँ कहाँ यूज़ पढ़ा, स्कूल में, होम में, शॉप्स में, होटल्स, ऑफिसेज एंड बैंक्स। 6 प्लेसेस पर हमने कंप्यूटर के यूजेस पढ़े हैं जिनको आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है इसको। फिर बाकी जो आपका बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।